क्या हुआ भाई? हमारे साथ हर हफ्ते में दो दफा तीन दफा चालान करते हैं, हम लोगों का पहले मजदूरी नहीं है, ये भी हमारे को 520 रुपए का ही आज चालान दिया। कल मैंने बैंक में चालान भरे अपने एक यही 520 रुपए का। ये सदर में खड़े होते यकीन मानो हम लोगों को न मजदूरी करने देते ना कुछ। हम लोग अभी मैं बताओ मैंने 150 रुपए का मजदूरी किया, आधा दिन गुजर गए, अगले ने मेरे को 520 रुपए का चालान दे दिया। यार मैं चालान कहाँ से भरूंगा भैया? देखो यार बीच में अगला बोलते मैं आपका गाड़ी बंद करता हूँ, गाड़ी के ऊपर मीटर लगाओ। तुम्हारे पास परमिट नहीं है, तुम्हारे पास फिटनेस नहीं है यार, बता के हम लोगों को जीने दो, नहीं जीने देते हम लोगों को, एक ही दफा मार दो यार। ज्यादा चालान कहाँ पे होते हैं? ये सदर के एरिया में करते हैं भाई हम लोगों को। ये सदर पे हम लोग सुबह स्कूल के बच्चे छोड़ते हो सदर में घूमते, यकीन मानो हफ्ते में दो चालान में 1200-1500 रुपए का डे हर हफ्ते में मैं भरता हूँ यार। किराए का घर है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है यार, हम लोग क्या क्या पूरा करेंगे यार? खुदा के लिए हम लोगों को जीने दो यार, नहीं जीने दे तो हम लोगों को मार दो यार, हम लोग फिर वो मौत हम लोग खुशी से तस्लीम करेंगे भैया। अल्लाह का वास्ते रेव करो यार, ट्रैफिक वाला हम लोगों के ऊपर रेव करो। ये देखो हम लोगों को हर हफ्ते दो दो चला जाए। अभी मैं खड़ा हुआ वो पुलिस वाला उधर ही, उसने बोला मैं आपका गाड़ी बंद कर दो। मैंने उसका मिलते किए कि साहब खुदा का वास्ता मेरे पास 12 बजे स्कूल के बच्चे लेकर आऊंगा यार। ये देखो अल्लाह का वास्ता हमारे ऊपर रेम कहो यार, रेम कहो दो, ये लग गया हमारे पास, इसको कहाँ ले गए? मैं तो अभी इसको आग लगाने लगा था कि मैं इसको आग लगाता हूँ यार, तंग हो गए भाई, और नहीं जी सकते यार इस तरह तंग हो गए। ये देखो भाई किस किस को हम पैसे दूंगा भाई यार, अल्लाह का वास्ता यार, खुद